चाइना ने बनाया आर्टिफिशियल सूरज। चाइना द्वारा बनाया गया आर्टिफिशियल सूर्य ने 100 सेकंड में 12 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान पैदा कर बनाया नया विश्व रिकॉर्ड। चीन के आर्टिफिशियल सूर्य तापमान और चमकने के मामले में असली सूर्य को भी पीछे छोड़ रहा है। दरअसल इंटरनेट पर जोरदार वायरल हो रही खबर कि चाइना ने बना दिया है आर्टिफिशियल सूर्य, इस बात पर कितनी सच्चाई है, क्या सच में चाइना ने बना लिया है नकली सूर्य, जानने के लिए देखते रहे टेक टूर चैनल। हम जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुनो क्या? अबे रुकना, क्या जल्दी है तेरे को? इन्हें कुत्ते की टट्टी पे पैर रख दिया। जानती हो, और ये भी कि मेरे बुरे वक्त में तुम थे मेरे साथ। इसमें मेरी क्या गलती? कुत्ता हक के गया, मैं थोड़ी हक के गया हूं। वैसे भी मैं इतना छोटा नहीं आता हूं। वर्सेस टिकटॉक। अब अंत में मैं बस यही कहूंगा, टिकटॉक और कोरोना एक ही देश के बीज। स्वागत है आपका एक बार फिर से छोटे से ब्रेक के बाद। इंटरनेट पर लगभग सभी न्यूज वेबसाइट्स ने ये कवर किया है कि चीन ने बना लिया है नकली सूर्य। आइए जानते हैं क्या है पूरी सच्चाई। चीन के वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने आर्टिफिशियल सन का निर्माण करने में सफलता हासिल की है। दरअसल हम इसे आर्टिफिशियल सन नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमारे असली सूर्य को कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन जिसे पूरी दुनिया आर्टिफिशियल सन कह रही है, वो एक न्यूक्लियर फ्यूजन है जो असली सूर्य से कई गुना ज्यादा ऊर्जा देगा। चीन ने क्या हासिल किया है, इसे समझने के लिए आपको न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन की समझ होनी चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि न्यूक्लियर फिजन क्या है। न्यूक्लियर फिजन वो प्रोसेस होता है जिसमें एक एटम का न्यूक्लियस टूटकर कई छोटे छोटे लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। पृथ्वी पर मौजूद सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में न्यूक्लियर फिजन का ही इस्तेमाल होता है। इन रिएक्टर्स में आमतौर पर यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये फिसाइल मटेरियल होते हैं। यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 ऐसे मटेरियल होते हैं जो न्यूक्लियर फिशन चैन रिएक्शन को सस्टेन करने में सक्षम होते हैं। इनके हैवी न्यूक्लियस जब टूटकर छोटे छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होते हैं, तो वहां गामा रेडिएशन और न्यूट्रॉन के साथ काफी हीट भी प्रोड्यूस होता है। इस हीट का इस्तेमाल किया जाता है स्टीम टर्बाइन को चलाने के लिए, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। पर न्यूक्लियर फिशन के साथ परेशानी यह है कि इस प्रोसेस में काफी मात्रा में रेडियो एक्टिव वेस्ट भी मिलता है, जो हमारे प्लैनेट के लिए बहुत ही हार्मफुल है। साथ ही इसमें काफी खतरा भी बना रहता है। चेर्नोबिल इंसिडेंट 1986, SL-1 एक्सीडेंट 1961 और भी काफी इंसिडेंट हुई है जिसने काफी तबाही लाई थी। अब अगर न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें, तो ये न्यूक्लियर फिजन का उल्टा होता है। ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कई सारे लाइटर न्यूक्लियस मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, जिससे काफी मात्रा में हीट और एनर्जी प्रोड्यूस होता है। हमारे सूर्य में भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, जिसके कारण सूर्य इतना हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। सूर्य के अंदर हाइड्रोजन न्यूक्लियाई फ्यूज होकर हीलियम न्यूक्लियाई का निर्माण करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि न्यूक्लियर फिजन की तरह अंत में कोई रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं मिलता। यानी अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन को अंजाम देने में सफल रहते हैं, तो इसमें हमें काफी एनर्जी तो मिलेगी, पर कोई हार्मफुल रेडियो एक्टिव नहीं मिलेगा। यानी कि ये एक एनवायरमेंट फ्रेंडली और क्लीन सोर्स होगा एनर्जी का। यही कारण है कि वैज्ञानिक कई सालों से पृथ्वी पर न्यूक्लियर फ्यूजन को सफल बनाने में लगे थे, और इसी फील्ड में चीन ने महत्वपूर्ण सफलता हासिल कर ली है। चीन का कहना है कि उन्होंने प्लाज्मा में 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस को 101 सेकंड तक और 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस को 20 सेकंड तक मेंटेन करने में सक्षम रहे हैं। ये टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सन के कोर का टेम्परेचर भी केवल 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस ही होता है। चीन के वैज्ञानिकों का कहना है कि भविष्य में हम इसे और भी लंबे समय तक मेंटेन करने की कोशिश करते रहेंगे। अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर हम इतनी एनर्जी का करेंगे क्या, अगर इसी तरह से टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होते रहा, तो हमें बहुत सारे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन को सस्टेन करने में सक्षम हो जाते हैं, तो इस पृथ्वी की पूरी एनर्जी क्राइसिस को मिटाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था चीन का आर्टिफिशियल सूर्य। अगर कोई क्वेश्चन मन में रह गया हो, तो कमेंट बॉक्स में पूछना।
मैं जरूर आंसर करूंगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक मारो और वीडियो को शेयर करो। मुझे नहीं पता, वीडियो को शेयर करो। अगर हाँ, यहाँ तक वीडियो देख ही लिए हो तो सब्सक्राइब मारो यार।